देखिए, अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो यही वो मंदिर है जहां पे कुछ ही देर बाद शुभेंदु अधिकारी आके माथा टेकेंगे। यहां पे ये भगवान राम का मंदिर है, जानकी नाथ नाम है इस मंदिर का, जानकी सीता माता का दूसरा नाम है, और यहां पर आके वो अपना माथा टेकेंगे, वो पूजा अर्चना करेंगे। अगर हम पूरा क्रोनोलॉजी देखें तो वो पहले दुर्गा सिंह वाहिनी सिंह को जो वाहन करती है माँ दुर्गा के मंदिर से उन्होंने स्टार्ट किया, और आके राम को राम के मंदिर पे आके वो माथा टेकेंगे। देखिए, बारंबार ये राम वर्सेस दुर्गा का डिबेट जो होता है, तृणमूल का दावा भी किया गया है बहुत बार के राम शुभेंदु आ चुके हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी मंदिर पहुंच चुके हैं और यहीं पर आके वो अपना माथा टेकेंगे। यहीं पर सिंहवाहिनी मंदिर, दुर्गा का मंदिर, और उसके बाद राम के मंदिर पे आएंगे। शुभेंदु अधिकारी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। बीजेपी के लोगों वाले एक स्कार्फ लेके शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी मंदिर के अंदर घुस चुके हैं, देखिए यहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगे। ये राम का मंदिर है जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी अभी पूजा करेंगे। इसके बाद एक यज्ञ हो रहा है जहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेंगे, और उसी के बाद यहाँ से वो निकल कर वो नंदी हल्दिया की तरफ जाएंगे। अभी वो नंदीग्राम में ही है, नंदीग्राम में है। शुभेंदु दा, ममता बैनर्जी यहाँ पर मंदिर घूम रही हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू वोटरों को क्या पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? अभी आप कुछ विकास की नाम पर चुनाव होगा। अभी यहाँ पर यज्ञ और हवन पूजन करने आए हैं, अभी यहाँ पर यज्ञ मंदिर है, ये आपका मंदिर है। नंदीग्राम किसका होगा? नंदीग्राम किसका होगा? दीदी को चोट लगा, दीदी बोला कि लोगों ने हमला किया, आपको लगता है ये बात? छोड़ी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी अभी इस पूरे मामले पर नहीं बोलना चाहते हैं, चोट पर, क्योंकि बीजेपी की शुरुआती जो प्रतिक्रिया आई थी उसके बाद बीजेपी अब थोड़ा बच बच कर बोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अंदर भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ज्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। जब इस राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा मंदिर है, और इस तरह से आज फिलहाल वो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और अंदर भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू की जा चुकी है, और उसके बाद यज्ञ पूजन का कार्यक्रम होगा यहाँ पर। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से तैयारी है, और यकीनन अब देखिए पूजा की जितनी भी सामग्री है, दादा पीछे हटिए, यहाँ पर पूजा की जितनी सामग्री है वो रखी जा चुकी है, और अंदर शुभेंदु अधिकारी इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा कुछ शुभेंदु अधिकारी की ओर से नहीं बोला गया, लेकिन दीदी की चोट पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, जिस तरह से दीदी की चोट लगी है। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए आज नामांकन का दिन है। शुभेंदु अधिकारी अभी मंदिर के अंदर है जहाँ पे वो पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे वो डायरेक्ट सिंहवाहिनी मंदिर के वहां से आए हैं, जहां से दुर्गा के पूजा अर्चना के बाद वो यहाँ पर राम के पूजा करने आए हैं। यहाँ पे करीबन 5-10 मिनट का पूजा होगा, और यहाँ से निकलकर वो जाएंगे एक हवन के लिए। हवन जहाँ पे होगा मंदिर के प्रांगण में ही हवन होगा, और उसी के बाद की तरफ नंदीग्राम से निकलकर हल्दिया की तरफ रवाना होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे शुभेंदु पूजा अर्चना में व्यस्त है। शुभेंदु यहाँ पे मंदिर के अंदर है जहाँ पर वो पूजा अर्चना, वो यहाँ से निकल आ चुके हैं, और अभी यहाँ से वो स्वस्ति नसु स्वस्थ्यप्सुजने सर्वे स्वस्ति नुत्रे सुनो ऋतु स्वस्तिराये मरुतो दधातु। ॐ
स्वस्थे प्रपथे श्रेष्ठा रक्षण स्वच्छेया वामे सानो मासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ओम विश्वेश्वरदेवाय वस्तुदेवो वह सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा अप्पाय भवग्नाय इन्द्राय भागं प्रजापतिरणमेवाय क्ष्मा मावसेन ईशतमाघसंसो ध्रुवास्मिन् गोपतो स्यात् वहवित् यजमानस्य पशून् पाहि ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वर्गौरेव भूम्न ओम सुसमेधाय शोचिषे घृतं तेभ्यं जुः अग्नये जातवेदसे स्वाहा जातवेदसे ओम जातवेदसे नेद्धस्वर्धस्वचेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे ओम अयम तैग्मात्मा जात वेदस्ते नेद्धस्वर्ण स्वचेद्धवर्णय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नाद्येन समेधय स्वाहा।